हेलो एवरी वन वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल पैथोलॉजी लेक्चर्स पैथ रनी गोस्वामी सो अगैन आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास्ट्रीडियल डिसीज़ के बारे में इन द प्रीवियस वीडियोस हमने स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस को कवर कर दिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा अब मैं स्टार्ट करती हूँ चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर यह हुआ है क्लास्ट्रीडिया आर ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है तो अभी तक हमने जो स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा है इस्टेफाइलोकोकस पढ़ा है वो भी कैसे हैं ग्राम पॉजिटिव है एंड ये क्लोस्टीरियल भी ग्राम पॉजिटिव है क्या बनाता है ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है स्पोर फॉर्मिंग एन एरोबिक मतलब जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है इट इज़ एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ हर्बी बोरस एनिमल्स एंड मैन वट इज हरबी बोरस मतलब कि जो वेज खाना खाते हैं ठीक है थेके? उनके जी आई टी में मिलता है चाहे वो एनिमल्स uh, हों या फिर वो मैन हों दीज ऑर्गेनिज्म में अंडर गो वेजिटेटिव डिविजन अंडर एन एरोबिक कंडीशन और जब एन एरोबिक कंडीशन होती मतलब कि जब ऑक्सीजन नहीं होती है ऑक्सीजन नहीं होती है इनके पास तब क्या होता है कि ये वेजिटेटिव डिविजन करते हैं एंड इस पर लेशन अंडर एरोबिक कंडीशन ठीक है तो डिफरेंस समझ में आया जब ऑक्सीजन नहीं है तब क्या करेंगे तब ये करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब ऑक्सीजन है तब ये क्या करेंगे तब ये बनाएंगे स्पोर्स दैट इज स्पोर्यूलेशन डीज स्पोर्स आर पास इन फीसज एंड कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन तो ये जो स्पोर्स हैं ये में पास हो जाते हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सब सर्वाइव कर सकते हैं ऑन डी जनरेशन ऑफ दिज माइक्रो ऑर्गेनिजम द प्लाजमलेट लिबरेटेड विच प्रोड्यूस मैनी टॉक्सिंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दॉलोइंग क्लास्टीरियर डिसीज डिपेंडिंग अपॉन दिस डिसीज तो क्या होता है कि जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डी जेनरेट होता है सो द प्लाजमट आर लिबरेटेड और उस प्लाजमट की वजह से क्या होता है कि कुछ टॉक्सन्स रिलीज होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिज और क्लास्टीरियर डिसीजेज अब कौन कौन से डि कौन कौन सी स्पेसीज है जो कि इन डिसीज को कॉज कर सकती है तो यहाँ पर आपको पांच स्पेसीज बताई गई हैं पहली है गैस कैंग्रीन बाय क्लॉस्टि परफ्रजेंस टिटनेस बाय सी टिटनी बॉटलिज्म बाय सी बॉटलिनम क्लॉस्टि फूड पॉइजनिंग बाय पौस्टीड सी परफ्रिजेंस मतलब सेम एंड नेक्रोटाइजिंग एंटेरोलाइटिस बाय सी परफ्रिजेंस सेम है तीन चीज़ें सेम हैं आपके इसमें गैस कैंग्रीन क्लास्टिडियड फूड पॉइजनिंग एंड नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस सेम ही क्लास्टीडियम पेरी परफ्रिजिस से ही होता है ठीक है उसके अलावा टिटनेस एंड बॉटलिज्म अलग है सो इन दी नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर देंगे गैस कैंग्रीन ठीक है तो मैं अलग अलग आपको हर एक लेक्चर के अंदर पढ़ा रही हूँ आई होप यू विल क्लियर विद एट वीडियो अच्छा लगा हो तो डो नाट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब